आहार चाहे जो भी हो, अगर वो अच्छा बनता है तो इसका सेवन सभी को पसंद आता है। किसी मरीज के लिए बनाए जाने वाले आहार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उसमें कितने तेल और मसाले का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अधिक तेल मसाले की किसी भी चीज़ मरीज के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। और जब बात किडनी के मरीज की हो तो उनके आहार में पहले से ही कई चीज़ों का परहेज होता है, साथ ही तेल मसाले तो सिर्फ नाम मात्र ही प्रयोग होते हैं। रोजाना कम तेल और कम मसाले वाले आहार से किडनी के मरीज बोर हो जाते हैं, साथ ही उनके स्वभाव में भी कुछ बदलाव आता है। इसलिए हम हमेशा किडनी के मरीजों के लिए ऐसे आहार की विधि लेकर आते हैं जिनका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं, साथ ही उनके रोजाना के बोरिंग आहार में कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम हमेशा किडनी मरीज के लिए ऐसे आहार की विधि लेकर आते हैं जिसका सेवन उनके रोजाना के खाने में बदलाव लेकर आता है। आज हम ऐसी ही एक आहार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं, साथ ही आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार और सुझाव हमें बता रहे हैं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर और स्वस्थ जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किडनी के मरीजों को खाने में कई चीज़ों का परहेज करना होता है, और किडनी के मरीज लौकी खा सकते हैं, इसलिए आज हम लौकी की भरवा रोटी की विधि आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि किडनी के मरीजों के लिए लौकी की भरवा रोटी किस तरह बनाई जा सकती है। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उन्हें ऐसे आहार लेने की सलाह देते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बीमार इंसान का इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ कमजोर होता है और उन्हें दिए जाने वाले आहार ऐसे होते हैं जो जल्दी पच जाते हैं। बीमार व्यक्ति को ऐसे आहार तब तक लेने होते हैं जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, लेकिन जब बात किडनी की हो तो किडनी के मरीज को ऐसे आहार हमेशा ही लेने पड़ते हैं। इसलिए हम अपने चैनल में ऐसे आहार की विधि बताते हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं, साथ ही उनके आहार में कुछ बदलाव भी आ जाता है। आज हम किडनी के मरीजों के लिए लौकी की भरवा रोटी की विधि बताएंगे। ये आहार मरीज सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, इससे मरीज को जल्दी भूख नहीं लगती और ये खाने में हल्का होने की वजह से समय पर डाइजेस्ट भी हो जाता है। लौकी से भरी हुई रोटी आप दो तरीके से बना सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आप लौकी को आटे की लोई में भर लें और फिर इसकी रोटी बनाएं। इसका दूसरा तरीका है कि आप लौकी को आटे के साथ गूंथ लें। जैसा आपको आसान लगे वैसे आप इसको बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लौकी की भरवा रोटी की विधि की तरफ। इसके लिए आपको ऐसी कुछ सामग्री चाहिए होगी जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी। आहार सामग्री है एक कटोरी कद्दूकस की हुई लौकी, ध्यान रहे लौकी को आप उबाल कर ही इसका प्रयोग करें, दो कटोरी गेहूं का आटा, एक चुटकी हल्दी, आधे चम्मच से कम सेंधा नमक और आधे चम्मच से कम जीरा पाउडर, एक कटोरी कद्दूकस की हुई लौकी जो उबली हुई हो, दो कटोरी गेहूं का आटा, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी सेंधा नमक, आधे चम्मच से कम जीरा पाउडर, जीरा पाउडर ऑप्शनल है। चलिए जानते हैं इसकी विधि क्या है। सबसे पहले आटे में जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह गूंद लें, आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंदें जिससे जब आप इसमें लौकी भरें तो रोटी बेलने में आसानी हो। इसके बाद आप उबली हुई लौकी का सारा पानी अच्छी तरह निकाल लें ताकि लौकी पूरी तरह सूख जाए। अब आप लौकी में हल्दी और नमक डालें और इसको अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद अब तवा गैस पर रखें और आंच धीमी कर दें। अब आप एक आटे की लोई लें और उसमें सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेल लें। रोटी इस तरह बेलें कि बीच का हिस्सा कुछ मोटा रहे, बाकी साइड का पतला। इस तरह लौकी भरने से आप आटे को सही तरह से बंद कर सकेंगे। अब लौकी वाला मिक्सचर आप आटे की रोटी में भर लें और उसको सही तरह से पूरा बंद कर लें, जिससे लौकी आटे के बाहर न निकल सके। अब फिर से सूखा आटा लगाकर रोटी को अच्छी तरह बेल लें, फिर तवा गर्म होने पर तवे पर रोटी को सेक लें। ध्यान रहे आंच धीमी रखें और रोटी को सीधा गैस चूल्हे पर नहीं सेकना है, इससे रोटी जल सकती है और रोटी का पोषक तत्व भी खत्म हो सकता है। आप रोटी को कपड़े से धीमी आंच पर तवे पे ही सेकें और जब रोटी अच्छी तरह सेक जाए तो उसको तवे से निकाल लें। ऐसे ही आप और रोटी बना लें। लीजिए, लौकी की भरवा रोटी तैयार है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी अच्छी लगती है। ध्यान रहे कि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसका सेवन आप सिर्फ सुबह के नाश्ते में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।
इसके साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी अपने शो हेल्थी तड़का में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जानेंगे एक पेशेंट से और उनकी कहानी, उनकी जुबानी। क्या समस्या थी दवाई? फर्स्ट में समस्या तो पेशाब खुल के नहीं रहा था, बार बार हो रहा था और लेटरिंग भी, मतलब जैसे पेशाब थोड़ा एक दो मिनट कंट्रोल करते थे, फिर मतलब जब तक लेटरिंग नहीं करते तब पेशाब नहीं खुलता था, ऐसा प्रॉब्लम होता था। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल। नेपाल में कहाँ से? मैं ढंगड़ी से। ढंगड़ डिस्ट्रिक्ट? हाँ, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिटी है। गोरखपुर नहीं, यूपी है, क्या बोलते हैं, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी बॉर्डर। तो जब आए थे तो उस समय काफी दिक्कत आ रही थी? हाँ, बहुत दिक्कत। अभी ठीक महसूस कर रहे हो? हाँ, सूजन बैठी, सूजन भी था पैर। पहले तो पूरे सूजन, मुंह पूरा सूज गया था, हाथ पैर पूरे सूज गया था पूरा। अभी कैसा है? अभी ठीक है? अभी तो सूजन पूरा खत्म है। पेशाब अभी तो फिलहाल मतलब 39 तो एक ही बार में कम नहीं हुआ है, थोड़ा 3-4 पॉइंट कम हुआ तो पेशाब में थोड़ा भी अभी दिक्कत है, बार बार होता है, मतलब खुल के होता है लेकिन बार बार। पहले से लेकिन काफी अच्छा है। आप इनके वाइफ तो पहले आए थे तब देख रहे थे ना कैसे कैसे दिक्कत हो रही थी इसको, और तो काफी इम्प्रूवमेंट आया है उस हिसाब से। हाँ, अभी तो पहले से तो ठीक है। पहले से तो बहुत ठीक। तो क्या बताया था आपने, कहाँ दिखाया था? लखीमपुर दिखाया था या उधर ही? मैं फर्स्ट बार, मेरा ये प्रॉब्लम 2011 में पता चला, जिस टाइम में मैं मुंबई में था वहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था, तो उसी टाइम में मतलब फर्स्ट मेरा बुखार आने लगा शाम को डेली। फिर मैं डॉक्टर साहब को ले गया, ऐसे मेडिकल में गया, ऐसे ऐसे हो रहा, तो 2-3 दिन ऐसे लगातार हुआ। और फर्स्ट में पेशाब भी मतलब बार बार होता था, यानी कि 5-10 मिनट में होने लगता, थोड़ा थोड़ा आता था, खुल के नहीं आता, बुखार आने लगा। फिर वो डॉक्टर साहब को लिखा, 2-3 दिन ठीक नहीं हुआ, फिर बोले थोड़ा, मतलब मेरा ठेकेदार था वो बोला कि मैं तेरे को वहाँ दिखा देता हूँ अच्छा डॉक्टर साहब। फिर थोड़ा बड़ा सिटी में ले गए, वहाँ गए तो सब पेशाब सब खून चेक किए, तो बताए ये प्रॉब्लम थोड़ा है इनका, इनको और बड़ा हॉस्पिटल में जाओ ले दो, केम में बोल दी कि केम में चला जाओ वहाँ हॉस्पिटल। फिर वहाँ गया तो सारे रिपोर्ट चेक हुआ, बायोप्सी करवाए, तब पता चला कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे। उस टाइम में क्रिएटिनिन मेरा 2.7 था, और बोल रहे कि ये हमेशा दवा खाना पड़ रहा है, जो दवा दे रहा हूँ मैं इससे सिर्फ कंट्रोल होगा, इससे कम ना होगा ना ज़्यादा होगा। तो मैं खाता गया, अब इतना साल 1.5 साल खाने लगता, कभी खाता था कभी नहीं खाता था, फिर प्रॉब्लम तो वही रहता था मेरा, बार बार पेशाब होना और थोड़ा कंट्रोल, हरदम तो जैसे एक झटके में लगता वैसे हर बार नहीं जा सकता था पेशाब, कभी कंट्रोल बस में कभी, तो उस टाइम में मेरा दोनों चीज़ होने लगते, यानी कि लेटरिन भी चालू होने लगता था, लेटरिन 3-4 बार मतलब दिन में होने लगता था, और लेटरिन भी अपच हो निकलता था, पचा हुआ नहीं निकलता था, ऐसे करते अभी ठीक निकल रहा है ना, अभी सब फायदा ही ना। हाँ, अभी तो फायदा हो गया, जब से चालू किया तब से वैसा पचा हो, मतलब लेटरिन निकल रहा है। क्रिएटिनिन लेवल वाज अराउंड 13.7 व्हेन द पेशेंट फर्स्ट विजिटेड अस, एंड द पेशेंट इज ओरिजिनली फ्रॉम नेपाल, और अभी जो इन्होंने क्रिएटिनिन लेवल कराया वो 10.7 हो चुका है, बहुत अच्छे रिजल्ट इनको नजर आए हैं, एंड पेशेंट इज टोटली आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल, और डायलिसिस से भी बाहर आए, फिजिकली स्वेलिंग थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब सब चीजों में आराम मिला है। तो क्या संदेश दोगे सारे भारतवासी को, सारे नेपालवासी को, सारे विश्व के पेशेंट्स को, जो जो समस्या हो रही थी और कैसे आराम हुआ, क्या संदेश रहेगा आपका किडनी पेशेंट? किडनी पेशेंट को यही संदेश देना चाहता हूँ, कहीं भी अगर परेशान हो अभी तक तो इंग्लिश दवा से आपको अच्छा नहीं हो रहा तो यहाँ से दवा लेके जाओ, यहाँ से 100% आपका काम करेगा, आप जर से ये बीमारी से मुक्त हो सकते हो। जैसे कि गोपाल सागर चौधरी भी इम्प्रूवमेंट आ रही है उसको, और आगे भी नजर आएगी। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS
नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।